दोस्तों आप साहब आपके सामने में बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत प्लान डिस्कस करने वाला हूं, जो कि 35x45 में साथ साथ कोच इनका अलग से बना हुआ है। एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मैं कांटेक्ट किया और उन्हें एक ऐसा मकान चाहिए था जो बिल्कुल चारों तरफ से ओपन हो, तो उन्हीं के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस मकान को डिजाइन मैंने किया है। इनका 2D प्लान ऑलरेडी पहले से डिजाइन था, मैंने केवल इनका 3D बनाकर दिया है और ये 3D आपके सामने बनकर रेडी हुआ है। जो भी इनकी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 साइड क्लोज्ड है, हालांकि पीछे भी क्लोज्ड है, लेकिन उन्होंने कोई विंडो वगैरह नहीं लगवा रखी है। तो ये देखिए कि इनका पूरा प्लान बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है। 35x45 पोर्च आपका अलग से है दोस्तों, लगभग 15 फीट का फ्रंट में, तो आप लगभग अगर मान सके तो लगभग 45x45 एरिया ये कवर कर रखा है। इस प्लान को बनाने के लिए दोस्तों उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया था बनवाने के लिए और मैंने उनकी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस प्लान को बनाया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, मॉडल आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, अभी से चैनल से जुड़ जाए स्मॉल हाउस प्लान से दोस्तों, अगर अभी तक आप जुड़े नहीं है। अभी हम इसको बारी बारी से आपको पूरा चीज दिखाने वाले हैं, सिर्फ बने रहे वीडियो में लगातार। मैं हूं पुंज झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आने वाले सभी ऐसे ही वीडियो, लेटेस्ट वीडियो और ऐसे नए नए मॉडल्स देखने को आपको मिलते रहे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर। तो ये दोस्तों इनका ग्राउंड फ्लोर है, देख सकते हैं आप, ग्राउंड फ्लोर पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने बनाया है। सबसे पहले देखिए इनके 2 पिलर है, दोनों साइड लेफ्ट और राइट, 2 पिलर है, इसका बीच में मैंने स्टेयर्स दिया है जिससे ऊपर जाएंगे। और इसके जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बीम आया हुआ है, बीम में ही इनका पीओपी का डिजाइन बना हुआ है। मैं मैक्सिमम जूम कर देता हूँ, इससे इनको चीजें और समझ में आए कि दोस्तों पीओपी का डिजाइन बना हुआ है। ये पिलर जो बने हैं ना, ये भी डिजाइनदार बने हैं, नॉर्मल पिलर नहीं है। आप ऐसे पिलर मार्केट में जाकर ले सकते हैं, किसी पीओपी डिजाइनर से डिजाइन करवा सकते हैं, या पिलर बने बनाए भी मिलते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल पिलर रखना चाहते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्हें आप इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे आप अंदर जाएंगे तो ये पूरा पोर्च एरिया, देखिए पोर्च एरिया आप दोस्तों मैंने चढ़ने के लिए फ्रंट से और साइड से भी स्टेयर्स दी है, इधर से भी स्टेयर्स दी है। और यहाँ पर इनका ये पोर्च एरिया टोटल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं पहले आसपास की चीज दिखा देता हूँ, इनकी इधर भी दोस्तों लैंड है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर भी देखिएगा विंडो वगैरह लगा रखी है। यहाँ पर एक डोर भी दिया है इन्होंने, यहाँ पर चढ़ने के लिए मैंने स्टेयर्स बना रखी है। पीछे इन्होंने कोई भी विंडो नहीं दिया है, साइड में जरूर यहाँ पर 2 डोर दिए हैं, एक इधर से एंट्री के लिए, एक इधर से एंट्री के लिए, और दोनों तरफ पासेस हैं। और ये विंडो वेंटिलेशन के लिए दिए। पहले मैं इसका टॉप व्यू और आपको दिखा दूं, ये दोस्तों टॉप व्यू है, आप यहाँ से चढ़ेंगे ना, इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे एक आपको बेडरूम मिलता है, राइट हैंड साइड पर आपको बेडरूम मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड बेडरूम और राइट हैंड बिल्कुल सिमिलर है। इसके बाद ये मेन डोर है जहां से आप एंट्री करेंगे, तो जैसे आप एंट्री करके अंदर जाते हैं ना, तो आपका यहीं से स्टेयर से स्टार्ट हो जाता है। आप ये डाइनिंग हॉल टाइप का बड़ा सा दिख रहा है ना, इसी से स्टेयर से आपकी स्टार्ट होती है। ऐसे चढ़ना स्टार्ट करेंगे, टर्न होंगे, आपको फिर से अंदर की तरफ जाना होगा और आप छत पर पहुंच जाएंगे। इसी के नीचे से होते हुए डोर गया हुआ है। अब बात करें, आप डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर दोनों लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपको यहाँ पर किचन देखने को मिलता है। इन्होंने 2 किचन बनवाए, शायद इनका 2 ब्रदर्स के लिए, 2 भाइयों के लिए एक घर बना हुआ है, तो 2 किचन। इसके बाद आपको पास मिलता है, पासेज मिलता है, जो कि बाहर से डोर दिए थे ना, इसी पासेज में 4.5 से 4.5 फीट का पासेज दिया है। तो दोनों तरफ से यहाँ पर बेड डोर है और एंट्री कर पाएंगे। ये देखिएगा ये पासेज किचन के जस्ट साइड में। इसके जस्ट पीछे की बात करें, यहाँ पर 2 बेडरूम आपको और देखने को मिलते हैं, और इन दोनों बेडरूम में अलग अलग लेट और बाथ दिया है। देखिए इस बेडरूम के लिए इधर से लेट बाथ दिया है और एक लेट बाथ इधर से दिया है। इनको शायद 2 ही लेट बाथ की आवश्यकता थी और इन्होंने लेट बाथ नहीं बनवाए हैं, घर काफी बड़ा होने के कारण। तो ये पूरा डिजाइन था जो इनको रिक्वायरमेंट था, फुलफिल था। हो सकता है इनकी विंडो का साइज कुछ और हो, लेकिन जो मैंने स्टैंडर्ड साइज यहाँ पर यूज किए हैं सारे, क्योंकि वो सारी चीजें यहाँ पर आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए, इस वजह से मैंने कलर भी ब्लैक यूज किया है, इससे आपको चीजें दिख सके। तो ग्राउंड फ्लोर था, देख सकते हैं आपकी खास कुछ मैंने डिजाइन नहीं किया, सिर्फ पोर्च का ही मेन डिजाइन था इनका, जो पोर्च को मैंने क्रिएट किया है, ये आप देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं दोस्तों, चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल, ऊंचाई की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं ना, ये ब्लू कलर का, ये भी पीओपी की डिजाइन है जो कि आपके छज्जे पर बनी हुई है। जो आप 3 फीट का ये छज्जा निकला हुआ है ना, चारों तरफ बालकनी टाइप की इसमें बनी हुई है, और चारों तरफ इन्होंने ग्रिल लगा के रखी, चारों तरफ इन्होंने ग्रिल की रिक्वायरमेंट थी ग्रिल की, तो इनका चारों तरफ मैंने स्टील का ग्रिल लगा दिया है। और फ्रंट की डिजाइन को थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया है, जो कि मैंने एल स्लोप में और स्लोप आपका डिजाइन किया, देख सकते हैं।
इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर, ये वाली डिजाइन थोड़ी सी चेंज है, बाद बाकी सारी सिंपल सी डिजाइन है। चारों तरफ देख सकते हैं आप, चारों तरफ सिंपल सी डिजाइन है, सिर्फ फ्रंट का डिजाइन चेंजमेंट है। इधर भी आपको कट मिलेगा, इधर भी कट मिलेगा, और इधर भी, और इधर, और फ्रंट में भी आपको कट मिलेगा। तो ये पूरा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का डिजाइन बनकर रेडी हो जाता है। ये दोस्तों घुमटी है स्टेयर्स को ढकने के लिए, बीचों बीच मैंने बना दिया है, यहाँ से डोर दिया है जिससे आप छत पर आ पाएंगे। यहाँ पर एक बार विंडो दे दिया है, अगर आप देना चाहते हैं दे, नहीं तो हटा भी सकते हैं। लास्ट में मैंने यहाँ पर देखी छत बना दिया है स्टेयर्स को ढकने के लिए, जिससे बरसात में पानी वगैरह ना जाए। तो ये ओवरऑल प्लान पूरा 35x45 का बनकर रेडी हो जाता है। अगर आपको मॉडल हमारा पसंद आया तो प्लीज वीडियो का शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तब भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा, लेकिन केवल पेड यूजर ही करें, क्योंकि यहाँ पर आपको 50% पेमेंट एडवांस देना होता है, 50% बाद में। वीडियो पसंद आया हो, मॉडल पसंद आया तो प्लीज लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।